हेलो दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली वोटर आईडी से रिलेटेड किसी भी सर्विस का अगर आपने इस्तेमाल किया है, जैसे कि न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया हो या आपके वोटर आईडी में करेक्शन किया हो, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हुए हैं और इसमें से किसी भी सर्विस का अगर आपने इस्तेमाल किया है, तब आपको कभी ना कभी आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है, कॉन्टैक्ट योर BLO। तो हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि BLO क्या होता है और ये हमको कहाँ पे मिलेगा। देखो, BLO का मतलब होता है बूथ लोकल ऑफिसर। जनरली जब भी हम वोटर से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने का काम स्पेशली BLO का होता है। तो BLO आपको कहाँ पे मिलेगा और ये आपके डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके क्रोम ब्राउज़र में, कंप्यूटर का भी हो सकता है, मोबाइल का भी हो सकता है। और उसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है NVSV, इस वेबसाइट पे जाना है। और जैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर जाओगे, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस वाले वेबसाइट के ऊपर जाना है। और जाने के बाद देखो, ये ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो न्यू यूअर ये लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो आपको आपका जो भी EPIC नंबर का मतलब आपका जो वोटर आईडी का जो नंबर है, आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप आपके वोटर आईडी का जो नंबर है यहाँ पे डाल दोगे, तो सर्च में जाके आपकी डिटेल सामने आ जाएगा। देखो, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास एक वोटर आईडी का नंबर है। देखो, ये वोटर आईडी का नंबर है, तो मैं अभी इसको कॉपी करके यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। तो देखो, आप जैसे ही यहाँ पे आपका जो नंबर है वो इंटर करोगे, और इंटर करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करोगे, तो आप जिस भी एरिया में रह रहे हो, उस BLO का पूरा नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर आएगा और आपका बूथ का पूरा इन्फॉर्मेशन आएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कुछ ही मिनट में आपके BLO का पूरा ऑफिस देख सकते हो। और ऑफिस देखने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है वो आप करवा सकते हो, और करवाने के बाद आप जो भी प्रॉब्लम था वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए। देखे से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।